हे गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हाँ तुम्ही? एंड वेलकम टू माय व्लॉग. कितनी प्यारी धूप आ रही है, देखो. जैसे अच्छा है, मुझे ऐसे धूप आती है ना तो बहुत ऐसे अच्छा लगता है. और जैसे कि अभी मैं कहाँ पे जा रही हूँ मैं आप सबको बताती हूँ. तो जैसे आप सबको पता है, मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था कि मैंने घर लिया है नया, और अभी जैसे उसका काम चालू ही होने वाला है. तो मुझे वहाँ पे कुछ वैसे शूट करना था कि एम्प्टी रूम में, तो बिफोर आफ्टर करने के लिए. तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको, जैसे कि तभी तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि उसमें क्या बनने वाला है, कैसा है, मैं क्यों लिया है मैंने, जो भी है. तो मैंने वही सोचा कि आज बनाते हैं. तो आज मैं देने वाली हूँ आपको एम्प्टी हाउस टूर, और आपको अच्छा लगेगा क्योंकि हमने जिस तरीके से वो, जैसे पहले तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे. तो जस्ट मैं अभी मेरे घर से, तो वो जैसे कि मेरे सिस्टर के घर के उधर ही है, तो अच्छा है, बहुत नज़दीक है. मैं वहाँ पे पहुँचूंगी, फिर आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कैसे बनने वाला है, क्या बनने वाला है, मैंने क्या क्या सोचा है. आई एम सो एक्साइटेड, यू नो, क्योंकि वहाँ पे रहना और मज़ा, क्योंकि वो घर अलग ही बनने वाला है. हमें प्रॉपर उसका डिज़ाइन पता है. मैंने एक एक, जैसे कि बोलते हैं ना, एक एक जगह हम वहाँ पे डेकोर अच्छा ही करने वाले हैं. तो चलो, हम लोग पहुँच गए. तो मैं स्टार्टिंग से ही दिखाती हूँ आपको क्या है. तो ऑलमोस्ट जैसे कि मुझे लग रहा है 3 महीने में ये सारा काम, जैसे मेरे घर का, और शायद मैं 3 महीने में यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ. तो मतलब आती जाती रहूँगी, ऐसे नहीं मेरा घर छोड़ूंगी. तो ये वाला यहाँ से हम बनाने वाले हैं, यहाँ से लेके जहाँ पे सामने खड़ी है, मतलब यहाँ तक ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्रेंस हम बनाएंगे जो बहुत मस्त डिज़ाइन किया है. और अभी जस्ट यहाँ पे जो बिल्डर का था वो मैंने कुछ भी नहीं दिया है. तो ये भी प्रॉपर साग होगा ना, जो अच्छा वाला वो हमने लगाया है खुद का, सारे लोगों ने भी उनका ही लगाया है. तो अभी ये फ्लोरिंग नीचे लगाई है, देखो जो ये फ्लोरिंग दिख रही है ना पूरी, इसमें हमारा एक मुहरम वाला मैं पूरी फ्लोरिंग पे लगाने वाली हूँ. तो ये तो मतलब ऐसे ही है, स्लिप हो रहा है मेरी चप्पल. सबसे अच्छी बात, मैं ये घर में कहीं पर भी खड़ी रहूँ, कहीं से भी वीडियो बनाऊँ, बहुत अच्छे आएंगे. आप देखो मैं कहाँ यहाँ पे खड़ी हूँ, धूप आए, यहाँ पे खड़ी हूँ, वहाँ पे खड़ी हूँ, बहुत जगह. और ये हम खोलते हैं विंडो, सनसेट पूरा प्रॉपर दिख रहा है. और देखो अभी और धूप आई, और ये दो रूम मैंने दो घर लिए एक्चुअली. वो दो घर को मैंने बीच से एक वॉल निकाल के दो घर एक किए, क्योंकि एक ही बार में वो बड़ा बन गया. तो और लकीली मेरा घर, आवाज आ रहा है ना, और लकीली मेरा घर ऐसा है ना कि आप जैसे एक ही ऐसी लाइन है, ऐसी वाली. सो इधर मेरा जो भी है मैं आपको सब बताऊंगी. तो ऐसा है पूरा. तो ये देखो ये पूरा व्यू, जब अभी थोड़ा देर होगा तो ये सब दिखा दो सालों, तो सनसेट होगा तब तक है ना, मैं दिखा दूंगी. हाँ तो बाद में दिखा दूँ आपको. ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं किचन से. सो पहले यहाँ पे ऐसे वॉल थी, और अभी ये पूरा किचन मेरा लिविंग रूम, और ये हम करेंटली रखेंगे क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि हमने सोचा नहीं, जैसे ऐसे सोचा है. और यहाँ पे एक बाथरूम था पहले, मैंने तो तोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी दो बाथरूम है, तो जरूरत नहीं है तीसरा बाथरूम भी, और किचन में और बाथरूम रखता है. तो यहाँ पे हम सीटिंग एरिया करने वाले हैं. ये वॉल तोड़ दी तो ये पूरा और बड़ा लग जाएगा. सो यस, हम किसी को लगेगा हमारा किचन छोटा है, बट नहीं, वहाँ से लेके यहाँ तक हमारा किचन ही है. सो बहुत बड़ा हो रहा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम यहाँ पे वो वाले वीडियो जो मैं देखती हूँ ना, जो ऐसे फ्लावर्स रखते हैं, कुछ कुछ एस्थेटिक बनाते हैं, तो मैं वो बनाऊंगी. वो किचन हम यहाँ पे, वो गैस वाला जो मैंने वास्तु के हिसाब से भी सारा घर डेकोर करा है, मैं थोड़ा बिलीव करती हूँ तो उसमें. और यहाँ पे हमारा आएगा डिश वॉशर भी मैं लगाने वाली हूँ. मैंने ये कॉन्सेप्ट चिन्ना के बाहर, जैसे लंदन में देखा है, चिन्ना के सिस्टर के घर पे है डिश वॉशर, तो मैंने तभी सोचा था कि मैं लगाऊंगी क्योंकि हम मतलब जो भी है तो मज़ा आएगा. और डिश वॉशर और उसके ऊपर ही मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन, तो दोनों एक सेक्शन में हो जाएगा. क्योंकि वॉशिंग मशीन के लिए ऐसा हो जाता है ना कि हम जगह कहाँ ढूंढें. रूम में हमने ऐसा डिसाइड करा है, ये यहाँ से सोफा का अरेंजमेंट ऐसे रखेंगे. सोफा भी मैंने अलग तरीके से सोचा है. ये वॉल पे कुछ हम करने वाले हैं डिज़ाइन वाला, बट वो ऐसा होगा जो आज तक मैंने जैसे किसी और का नहीं देखा है, मैं वैसा करने वाली हूँ क्योंकि मुझे किसी का कॉपी नहीं करना है. मुझे ऐसा बनाना है खुद का कि हमारा अलग हो. और सबसे, और ये वाला मैं हम सीलिंग कुछ नहीं करेंगे, जैसे बड़ा वाला जो बनता मैं सोच रही हूँ, बट फैन भी चाहिए तो वो भी है. तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इंडिया में फैन का सिस्टम होता है, मैं तो भूल ही गई थी. और यहाँ पे ना हम एक प्रॉपर मस्त ऐसे कुछ
कुछ करने वाले हैं डिजाइन में वो बहुत अच्छा लगेगा। और एक यहाँ पे ये जो है ना इतना बड़ा सेक्शन ले अभी इसके लिए, बट ये जो दिख रहा है टीवी के लिए। पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक पैसेज का वो होता है ना पैसा रखा था, बट वो हमने बंद किया क्योंकि मुझे बहुत बड़ा टीवी चाहिए, तो मैंने सोचा था पहले ऐसे टीवी आएगा, पर ये पोल आया उसके वजह से हमने पा गए। हाँ वेलकम टू द हाउस, बहुत थक गया लिफ्ट अभी तक नहीं लगी है। आजा अनुभव कैसा लग रहा है भाई? इंट्री मार दिया। कौन सा लग रहा है
है आपको, कौन सा साइड आपको ज्यादा अच्छा लगा? मुझे तो सबसे ज्यादा पर्सनल मेरा फेवरेट है ना ये किचन का सेक्शन, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है लग रहा है। और वैनिटी के लिए तो ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड हूँ, और बाकी तो मतलब ठीक है, बट किचन के लिए क्योंकि सबका होता है ना किचन ही मस्त है, और हम सारी का हमारा ऐसा है ना कि किचन बॉम होना चाहिए प्रॉपर इंटीरियर में। सच बोल रही हूँ, मुझे इतना ज्यादा भी नहीं, पर जो भी मैं करूँगी ना सबसे अलग होगा, और ऐसा होगा कि मैं बोर ना हो। तो हाँ, इधर से ये पूरा इधर बैठने के लिए ऐसे डाइनिंग टेबल पड़ा है, हमारा कुछ फंक्शन वगैरह हो तो हम डेकोर, हम पार्टी, हम क्या क्या कर सकते हैं यार। I'm so excited man, ये तो बोलते ना मजा ही आने वाला है, बहुत मजा आएगा। और जो भी लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि आप क्या करते हो क्या, तो उनके लिए मैं तो सच बोलूंगी ना, जो लोग होते हैं ना कि आपको डीमोटिवेट करते हैं उनका कभी मत सुनना, आपको जो लाइफ में करना है आप अपनी मर्जी से करना। क्या रमता? Yes. हवा भी क्या मस्त आ रही है, हा? हवा कितनी मस्त आ रही है, ऊपर इसलिए अभी हवा भी आती है, पर इतना कि धूप इतनी तेज आएगी कि हम गर्म हो जाएंगे। बात मैं आपको बताती हूँ, ऐसे मेरे ये जो विंडो है ना, यहाँ से नीचे से सारा कुछ दिख रहा है, पर ऐसे नीचे का तो नहीं दिखता पर आगे का जरूर दिखता है। तो मैं सच बोलूँ देखो क्या प्यारी धूप आ रही है, वाव। और एक मैं चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, जैसे करूँगी अभी मैं, हम जैसे छोटे थे बच्चे और हम ना हमेशा मेरे एक बुआ के घर पर जाते थे, जैसे अच्छा अत्याचा घर ही, और वहाँ पर ना हम क्या करते थे ना, जैसे कोई ऐसे कुल्फी वाला आता था ना मटके वाली, वो तो मुझे एक्चुअली वो खुद भी अच्छा लगता है। तो ये इंसिडेंट सामने मैंने तुझे बताया था हमने क्या किया था, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, तो हमें ना ऐसे बहुत मजा आता था वो ऐसे खाने में, और ना हमारे घर वाले चिल्ला रहे थे क्योंकि हम ऐसे छोटे बच्चे मस्ती करते ना वैसे हम, तो हमने क्या किया ना एक ऐसे कैटली वॉट एवर इट जो भी होता है उसको डोरी ऐसे लगाई और वो ऐसे नीचे फेंका, और उनको बोला कि हमने उसमें पैसे भी डाले और बोला आप ऊपर हमें भेज दो, तो उस तरीके से हमने वो नीचे भेजा एक ऐसे केटल और उसके अंदर वो सारा आइसक्रीम हमें ऊपर, तो वो मजा ही अलग था जैसे बचपन की यादें। तो सानू अभी वही बोल रही थी कि हम ऐसे ही नीचे से डोरी डाल के वो आइसक्रीम ऊपर ले सकते और हम ले भी सकते हैं। और हाँ एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, यहाँ पे वो हम क्या लगाने वाले हैं सानिका, इन ग्रीन जो है, हाँ जो यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा व्यू है और मैं नहीं चाहती कि सामने से जो भी आए तो उनको ऐसा हो कि वो ग्रिल के वजह से वो पूरा शो निकल जाता है। तो मेरा ऐसा है ना कि वो जो इनविजिबल ग्रिल लगा के हम उसको ये कर देंगे और वो लुक में भी बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये है हमारा घर का सनसेट, सामने विंडो बंद कर दे पूरी। आज तो हमने शूट भी किया इस घर में रमता, शूट भी हो गया, पहला शूट हो गया हमारा। वो साइड के विंडो भी बंद कर देती हूँ। फेवरेट कॉर्नर कौन सा है इस रूम का बता, तेरा इस घर में कौन सा ज्यादा तुझे फेवरेट लगा, पार्ट कौन सा पार्ट? मेरे को तो हॉल बहुत सेक्सी लगा। ओके ऐसा किचन ऐसे हम लोग ने देखा है तो सानी का, और हमने एक्चुअली एक ही हमारा जिन्होंने हमने किया है वो बता हमने कौन सा करने वाले हैं हम, मतलब हमने कौन से थीम में सोचा है अभी बता देंगे तो हम शेयर भी करेंगे, और इनको बोल कि आइडियाज के बारे में सानू इधर तेरे फेस पे जो लाइट आ रही है ना वाओ, ऐसे लग रहा है तूने न्यूड मेकअप करा है सच में तू बहुत, अभी विंडो बंद है ना, और सानी का ये तू क्लिप देखना बाद में, ऐसे लग रहा है ना। और आप जरूर सजेस्ट करना हमें जैसे कि ब्लॉग के कमेंट में कि आपको भी क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या आप चाहते हो कि इधर मैं अच्छा बना सकती हूँ, और प्लीज हमें जरूर बताना और क्या क्या आपको चाहिए। और मैं सच बोलूँ हम किचन में ना येल्लो थीम का सोच रहे हैं, जो मैंने फोटो देखा है ना अलग ही है, पर पता नहीं वो इको डिको कौन सा कलर यूज करते हैं, वो पता नहीं है, वो बताएंगे सारा कुछ बताएंगे। कैसे लग रहा है ये देखो, और मैं स्टोरी डालूंगी ऐसे ही ऐसे, वाह जो धूप आ रही है यार, मुझे हमेशा से धूप का घर बहुत पसंद है। आज हम फिर से आए इस घर में, और मैं ना कल जब आए थे ना तो यहाँ पे अंधेरा हुआ था, पर अभी कितने बजे, 2 बजे, और 2 बजे देखो क्या यहाँ पे भी ना मस्त हो पा रही है, वाह अच्छा ही लग रहा है बहुत।
हाय गाइस, सो मैंने अभी मेरा स्किन रूटीन किया और इतना ये चमक रहा है, थोड़ा काला काला दिख रहा है, इग्नोर, क्योंकि ये सारा मैं जेल है ना, मुझे सेटाफिल के जितने जितने प्रोडक्ट आए ना, मैं सारा पूरा थोप के लगाती हूँ। तो आप सबको पता है कि थैंक यू सो मच पहले आप सबको कि आपके वजह से आज मैं जो भी करती हूँ, मैं आपकी वजह से, आपका सपोर्ट। और हाँ, आजकल ना मुझे जो भी ऐसे ट्रोल करता है, कोई भी गंदे कमेंट करता है ना, मैं उनको सीधा रिप्लाई करना स्टार्ट किया है मैंने। तो किसी को भी मैं रिप्लाई करती हूँ तो प्लीज आप मत समझना कि ये सबको ऐसे करती, नहीं, क्योंकि मैं पहले रिप्लाई नहीं करती थी, पर अभी इसलिए करती हूँ क्योंकि लोग ऐसे है ना, कोई कोई की बिना मतलब के कुछ भी बोलते हैं यार, बिना मतलब के कुछ भी बोलते हैं और उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि हम अगर गलत नहीं है तो हम क्यों, मैं जब भी सुनना चाहूँ मैं सुनूँ, बाकी के टाइम मैं नहीं सुनूंगी। तो एनीवेज वो बात छोड़ो। और फिर जैसे कि ये घर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये घर मैं बहुत अलग ही बनाऊंगी। और आप भी सब लोग मतलब बताना मुझे मैं कैसे करूँ, क्या बना सकते हैं हम उसमें। और एक बात ये है कि इस घर के लिए मेरे सिर पे कुछ भी नहीं है, कर्जा ना लोन कुछ भी नहीं, क्योंकि ये घर मैंने बहुत जैसे कि सोच समझ के लिया था। बट एक चीज कि आपको अगर कभी भी जिंदगी में कोई भी स्टेप लेनी है तो आप कभी मत सोचना कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं, 100% आप कर सकते हो। क्योंकि ये घर लेने के टाइम मैं भी सोच रही थी, इतना फालतू तो खर्चा मैं यहाँ वहाँ करती रहती हूँ, मेरे जैसा खर्चा कोई नहीं कर सकता, इतना फालतू खर्चा मैं करती हूँ हमेशा। और फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि जो मेरे लिए खुद के लिए प्लेस बन जाएगा। ये मेरा घर जो है वो मेरे घर पे कोई भी नहीं है, जैसे बचपन से ही मेरे मॉम एंड डैड का, जैसे हमने कभी ऐसे रेंट वाले घर में हम रहे नहीं, हम खुद के ही फ्लैट में हमेशा रहे। ये भी घर जैसे जब मैं कमाने लगी, मैंने ये मेरे पापा ने तो बहुत बनाया, ये थॉमस, बट फिर भी मैंने मेरे तरफ से जितना मैं हो सके मैं बनाती गई, मेरा रूम बनाया, मेरा हॉल, अभी मैं मेरा किचन भी बनाने वाली हूँ। सो जितना हो सके मैं फैमिली को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे खुद को, और सबसे पहले खुद की खुशी तो मैं हमेशा देखती हूँ। तो मैं वही बोलूंगी कि आप हमेशा खुद की भी खुशी देखो और सबकी देखो, बाद में सबकी, ये मेरा रूल है। तो बट अपने माँ बाप को देखो। हाँ, तो फिर बस इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं और आपसे बातें करूंगी। कोई पर्सनल चीजें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मे बी मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट कभी भी व्लॉग में बता सकती हूँ, जरूर बताऊंगी। और कैसा लगा मेरा घर जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं जरूर कमेंट पढ़ूंगी, और गंदे कमेंट करने वालों को भी खुली छूट है, जो करना है करो। ओके, तो ऐसे मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, लव यू ऑल।